गाइस, तो ये वाला पेड़ जो आपको दिख रहा होगा, ये गुल मेहंदी का पेड़ है। इधर आपको पूरे पहाड़ में यही पेड़ दिखेंगे। ये देखो पूरा, इधर भी है, इधर भी है। मीठे फल नहीं होते गाइस ये। इधर ये ब्लैक कलर के जो आपको दिख रहा होगा, काला काला मीठ भी होते ये होते हैं मीठे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 4, तो फिलहाल अभी हम तीनों जन जा रहे हैं थोड़ा, मतलब यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पटपरा है, मतलब उधर चारों तरफ पहाड़ है, जो कि मैंने आपको बताया भी है। तो इन चार तीनों लोग जा रहे हैं, तो जो कि मैं आपको वहाँ का पूरा का व्यू दिखाता हूँ, कितना बढ़िया लगता है। और आज कोशिश भी करेंगे पहाड़ चढ़ने की। तो पहले चलते हैं जल्दी से गाइस। तो अभी हम लोग को नोट मिली है एक, जो कि नकली है 500 की। ये देखो आप, मनोरंजन बैंक है। अभी हम लोग इसको चलाएंगे भी। चला दे हम। Your smile keeps playing, your pass away, yeah, I would go for six. Guys, तो ये हमको बहुत, हम लोग को बहुत प्यारा गांव लगता है, बट थोड़ी दिक्कत इधर हो जाती है, पूरा बंतर एरिया है। तो अभी जो कि आपको दिख ही रहा है, देख लो आप अगल बगल कैसे पेड़ है। तो अभी हम लोग और आगे जाएंगे, हम आप लोग को और भी व्यू दिखाते हैं। तो पहले चलते हैं जल्दी से गाइस। अभी देख लो आप कितना यहाँ जंगल दिख रहा है पूरा, और बीच से रोड है। देखो आप इधर, और इधर देखो आप कितना व्यू दिख रहा है इधर। यही गाइस, अब इधर का व्यू देखो आप कितना बढ़िया दिख रहा है। ये देखो आप, मतलब चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है, और देखो आप पूरा एकदम। और अभी हम लोग फिर से आगे चलेंगे और फाइनली चलते हैं जल्दी से पहाड़ के पास, बिकॉज अभी हम लोग हैं 100-200 मीटर दूर, और 4 बज भी गए हैं, तो अभी चढ़ते हुए टाइम लगेगा हम लोग को, फिर लौटना भी है तो अंधेरा हो जाएगा। तो जो कि रास्ता इधर का अच्छा नहीं है, पूरा जंगली है, जो आपको दिख रहा होगा इधर नहीं। तो फिलहाल हम लोग जल्दी से चलते हैं और पहाड़ चढ़ते, फिर आपको वहाँ का व्यू दिखाता हूँ। और उजाला रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज वीडियो बनाने भी अच्छी हेल्प मिलेगी। तो पहले चलते हैं जल्दी से। और जो कि यहाँ से 85 मीटर दूर है अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो जो कि मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ, देखो आपको पीछे दिख रहा होगा, इसको पूरा घर वगैरह वहीं बने हैं। तो पहले चलते हैं जल्दी से, फिर आपको पास से दिखाता हूँ, और हम लोग चढ़ते भी हैं। गाइस जो आपको ये घर दिख रहे हैं, ये सब पहाड़ी में बने हैं। और इधर देखो पूरा पहाड़ का पानी इधर जाता है नीचे साइड, जब पानी मतलब बाढ़ आती इधर, जब पानी गिरता बरसात में। तो और अभी देख लो, अभी हम लोग ऊपर चलने वाले हैं पूरा। Your smile keeps playing, your pass away, yeah, I would go for six. गाइस देखो आप यहाँ व्यू कितना बढ़िया है, सब सारे घर यहाँ पहाड़ पे ही बने हैं। और यहाँ के लोग देखो आप, ये देखो पूरा व्यू यहाँ से। अभी हम लोग ये रास्ते से आए हुए हैं, तो अभी ऊपर चलते हैं। और गाइस देखो आपका यहाँ का व्यू कितना बढ़िया दिख रहा है, पूरा पुराने ज़माने जैसे याद आ रही फीलिंग पूरी। देखो आप फूटे फूटे मोबाइल ले आओ, मोबाइल की पलेटें ले जाओ, गिलास कटोरी। सभी सामान से मिलेगी आपको गिलास कटोरी। गाइस अब यहाँ से रोड ख़त्म हो चुकी है पीछे से, अब हम लोग को रोड नहीं मिलेगी, बिना रोड के हम लोग पत्थर पे पैर रख के चढ़ेंगे, जो कि आप लोग देख लो। तो फिलहाल चलते हैं जल्दी से, और आपको दिख रहा होगा पीछे कितनी चट्टान है इधर।
और देख लो आप, ये देखो गाइस। तो भी चलते हैं और ऊपर, फिर आपको और ऊपर का व्यू दिखाते पूरा। गाइस आप इधर का व्यू देखो, सबसे बढ़िया मुझे इधर का व्यू दिख रहा है, वो देखो आप कितना प्यारा दिख रहा है। और उधर वो सामने देवी जी वाला पहाड़ दिख रहा होगा आपको, लेकिन थोड़ा हल्का नहीं दिखेगा बिकॉज कैमरा क्वालिटी इतनी अच्छी भी नहीं है। और आप उधर देखो गाइस पूरा व्यू इधर से गाइस। तो आप इधर देखो पूरा पानी इधर से आता है पहाड़ में ऊपर से। और बोल रहे इधर के रहने वाले कि जो कि इधर भर रहे थे, बोल रहे हैं ये रात में पूरा भर जाता है, जो कि इधर से पानी निकालें। तो फिलहाल चलते हैं गाइस अभी और ऊपर हम लोग। गाइस तो ये वाला पेड़ जो आपको दिख रहा होगा, ये गुल मेहंदी का पेड़ है। इधर आपको पूरे पहाड़ में यही पेड़ दिखेंगे, ये देखो पूरा इधर भी है, इधर भी मीठे फल नहीं होते गाइस। ये इधर ये ब्लैक कलर के जो आपको दिख रहा होगा, काला काला ये होते हैं मीठे। Your smile keeps playing, your pass away, yeah. I would go overseas just like that. Don't overthink it, why can't you stay here? Give me the call and I'll just be there like that. I don't understand it, but you keep me together when everything around me keeps me under pressure, yeah. It's so overwhelming, but I will wait forever, so you can come and get it. I don't understand it, I don't understand. Guys, तो हम लोग आधे से ज़्यादा ऊपर चढ़ाए तीनों लोग। और guys इधर बहुत प्यारा व्यू दिख रहा है, जो कि आपको थोड़ा सा ऊपर दिखेगा। अभी हम लोग और ऊपर जाएंगे और पूरी सांस तेज तेज चलने की, बिकॉज हम लोग रनिंग करते हुए चढ़ेंगे गाइस। तो अभी आपको पीछे बैक कैमरा से मैं आपको पीछे पूरा व्यू दिखाता हूँ इधर। गाइस तो हम लोगों ने इस पहाड़ को कभी क्रॉस नहीं किया, मतलब पूरा कभी नहीं चढ़े थे हम लोग। छोटे थे जब हम लोग छोटे थे, दो तीन साल, मतलब तीन चार साल पहले की बात है, हम लोग साइकिल लेके आए थे और आधा भी नहीं चढ़े थे, फिर लौट गए थे। बट आज पूरा चढ़ना है हम लोगों को। तो अभी आज हम लोग घर भी नहीं गए हैं इसी कारण, तो पूरा भी हम लोग ब्लॉग आपको आज हम पूरा इंटरेस्टिंग ब्लॉग बनाएंगे और आपको दिखाएंगे भी। तो जो कि गाइस हम लोग हमारे मामा जी घर मैहर में है, और मैहर से ये 10 किलोमीटर अंदर है मनटोलवा गाँव, वहीं इतना आपको पूरे चारों तरफ पहाड़ दिखेंगे। आप देख लो पीछे आपको कितना व्यू दिख रहा होगा, एकदम पूरा कोहरा जैसे। हम लोग बहुत ऊंचाई पे आ गए गाइस, और देखो आप पीछे भी देखो, देखो आप कैसे आपको चट्टाने दिख रही होंगी। और पीछे हमारे फैक्ट्री भी है गाइस, जो कि दिखेगी नहीं आपको इतना अच्छा कैमरा में। वो एक वो फैक्ट्री बिरला फैक्ट्री, और एक वो उधर सरला फैक्ट्री भी गाइस। तो फिलहाल चलते हैं अभी और ऊपर। खाई के पास ही पहुंच के, ये देखो नीचे खाई है, ये देखो पूरा ये पूरा आपकी खाई दिखेगी। तो गाइस कोई गिरेगा तो मर जाएगा, मुंह टूट जाएगा। ये देखो पूरा आपको कैसे व्यू दिख रहा होगा गाइस। और देखो गाय कितनी छोटी छोटी है। गाइस तो इधर से भी देखो कितना बढ़िया दिख रहा है, एकदम सुनसान पूरा एरिया चारों तरफ से घिरा। तो अब देखो कितना प्यारा दिख रहा है इधर से, और इधर सामने देखो आप कितना प्यारा दिख रहा है।
और ये देखो पूरा गाइस कैसे दिख रहा है। हम लोग तो डर लग रही है बट हम लोग चढ़ेंगे पूरा आज, और फिर आज हम लोग थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। गाइस तो फिर से एक नाला आ गया है जो कि बहुत बड़ा है और घास भी है, तो अभी हम लोग उसको पार नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा और आगे से देखते शायद रास्ता हो, फिर उसके उस पार चलते। और गाइस तो अभी हम लोग पूरा चढ़ाए हैं ऊपर तक, तो अभी चलते थोड़ा बहुत और आपको दिखा देते हैं। और इधर तार भी लगी, मतलब वो हाई वोल्टेज वाला खंबा है और तार भी है इधर, तो जिस कारण हम लोग अभी आगे नहीं जाएंगे बिकॉज करेंट का भी डर है। अभी आप सुनना थोड़ा, आपको आवाज़ सुनाई देगी। गाइस हल्का हल्का आवाज़ आ रही है, वो हाई वोल्टेज तार की ही आवाज़ है, जो 33,000 चलती है ना उसी की आवाज़ है। तो फिलहाल हम लोग उसके पास नहीं जाएंगे, दूर से ही बनाएंगे, बिकॉज हम लोग को सावधानी बरतनी चाहिए। और मैं आप लोगों को भी कहता हूँ, आप लोग कुछ भी काम कर तो सावधानी बरत के करना। तो अभी चलते हैं थोड़ा बहुत दूर से, मैं आपको और दिखाता हूँ। और देखो गाइस पूरा देखो पीछे का व्यू आप, ओम जल्दी आ, देखो गाइस आप पूरा व्यू। तो गाइस अभी हम लोग तीनों लोग टॉप पे पहुंच चुके हैं फाइनली, और पीछे आप देख लो हाई वोल्टेज तार वो लगा है, खंबा भी गड़ा उसका, जो कि आवाज़ मैंने आपको सुना दी है, तो इसलिए हम उसके पास नहीं जाएंगे। नहीं मारा करंट, देख और गाइस ये पहाड़ ख़त्म भी नहीं होगा, पीछे पूरा एकदम समतल हो गया है। अब हम लोग को लग रहा था कि ये टॉप होगा फिर टॉप के उधर फिर डाउन हो जाएगा, बट ये पूरा समतल है। तो अभी फिलहाल हम लोग अब चलते हैं नीचे। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग चल दिए हैं नीचे की ओर, तो जो कि आप देख लो कितनी चट्टान है। और हम लोग इधर से चलेंगे बिकॉज अभी हम लोग दूसरे गांव भी पहुंच गए ऊपर ही ऊपर, धनवाहित दिख रही है, और हम लोग का गांव उधर मंटोलवा है मामा जी गांव, तो हम लोग ऐसे चलेंगे। तो फिलहाल अभी नाला है तो अभी नीचे से हम लोग को ऐसे ही चलना पड़ेगा, पहले चलते जल्दी से। और इधर देखो आप भी पूछे पूरा इधर अगल बगल का, और इधर गाय चराने आते हैं लोग, देखो कितना नीचे से उधर से चराने आते हैं। So guys, गाय उधर नीचे से गाय चराने, देखो कितने ऊपर आते हैं ये लोग, तो बहुत मेहनत भी पड़ती है। खैर हमारे मामा जी भी लेके आते हैं गाय यहाँ चराने। होने वाला है, सनसेट भी होने वाला है अभी, तो फिलहाल जल्दी से सारा दिख रहा है सनसेट का व्यू, तो जो कि पूरा चट्टान है और चट्टान के पीछे सनसेट हो रहा है। तो गाइस तो फाइनली हम लोग थक भी बहुत गए हैं, तो पहले चलते हैं डायरेक्ट नीचे, और देखो कितना प्यारा दिख रहा है व्यू सनसेट का, जो कि मैं आपको बैक कैमरा से भी दिखाया हूँ। तो अभी हम लोग थक भी बहुत गए, पैर भी दर्द करने लगे, तो आज नींद भी हम लोग की अच्छी आएगी। तो गाइस आप लोगों को ब्लॉग दिखाने के लिए मैं कितनी मेहनत करता हूँ, सोचो हम लोग कितना ऊपर चढ़े उतर भी रहे हैं। तो गाइस आप लोग भी हमारा एक काम कर देना, गाइस अगर आप वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना, जिससे मेरी इसी तरह की आपको डेली लाइफ की ब्लॉग और ऐसे इंटरेस्टेड ब्लॉग आपको मिलते रहें, तो जो कि आप देख ही रहे हो कितना मेहनत कर रहे हैं हम लोग आपको वीडियो दिखाने के लिए। तो फाइनली चलते हैं अभी जल्दी से। गाइस तो फाइनली हम लोग रोड पे पहुंच गए हैं मेन रोड के पास, तो फाइनली भी चलते हैं घर, और फिर मैं आपको मिलता हूँ डायरेक्ट घर में।